हाय नमस्ते, आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं अभी? मेरे लिए तो बहुत एक अजीब सा दिन है जो इतने सालों में नहीं आया था. आज मैंने खूब खेला शौर्य के साथ और काम भी किया. वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. मतलब अनयूजुअल डे है, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा इस डे को. लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की थी अब करेंगे. हाँ, लेकिन एक चीज़ तो है जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आप लोग मैं तो ये फेस कर रही थी इतने सारे व्हाट्सएप कोरोना वायरस पे या फिर कंट्रीज पे या फिर कुछ मिथ्स, कुछ किसी की तरफ से कोई न्यूज जो कि पैनिक क्रिएट करती है. सो आज मैं आपसे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूंगी. नंबर वन, कि जो भी चीज़ें, मतलब मेरा ये मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एवरीथिंग. आप जितना सोचोगे नेगेटिव चीज़ों के बारे में उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे. कल रात को मैं बाई चांस ये सोच रही थी कि ना एक मूवी आई थी, एक इंग्लिश मूवी थी, उसमें ये दिखाते हैं कि पूरे कंट्री में कोई वायरस आ जाता है और वो फिर सारे चीज़ों को बंद करना पड़ता है. उसमें डॉग और एक जो मेल है वो अकेले रह जाते हैं, सो हीरो अकेले रह जाता है. ऐसे करके दो तीन मूवीज आई हैं, हॉलीवुड मूवीज हैं. तो जब मैं वो मूवी देख रही थी ना, और मेरी आदत है मैं हर चीज़ को विजुलाइज कर लेती हूँ, सो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में. आई अट्रैक्ट थिंग्स. सो उस टाइम पे भी क्या हुआ कि मैंने उस टाइम पे सोच लिया कि अगर मैं अकेली होंगी और सब चीज़ें शट डाउन होंगी, हम लोग कैसे करेंगे, वो मैं विजुलाइज करने लग गई थी. और आज वो हो गया. सो मैंने अपनी गलती उस टाइम पे मानी कि मैंने विजुलाइज किया, और अभी पर लेकिन गलती को ठीक करने का टाइम है, रेक्टिफाई करने का टाइम है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे आज तीन सिंपल मेथड्स हैं, मूल मंत्रास हैं, प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए. आप अट्रैक्ट मत करो नेगेटिविटी को. जितने पोस्ट आपके नेगेटिव आ रहे हैं जो आपको एंजाइटी पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू ओवर देम. स्टे हैप्पी जैसे पहले आप लोग रहते थे. एक आधी न्यूज़ पूरे दिन में सुन ली, उतना इनफ है. लेकिन उसके अलावा जितनी भी पैनिक वाली न्यूज़ है वो आपको नहीं सुननी है. पैनिक वाली न्यूज़ आपको नहीं सुननी है. जितनी भी चीज़ें आपको पॉजिटिव कर सकती हैं, मैं कभी भी नेट सीरीज या नेटफ्लिक्स ऐसी चीज़ें नहीं देखती हूँ. मैंने पहली बार कोई एक चीज़ देखी, उसमें मेंटलहुड, मतलब मैंने अपने मदरहुड के बारे में कुछ देखा. हाँ, तो कुछ चीज़ें जो नहीं की है लाइफ में अब करनी शुरू की हैं. लेकिन हाँ, नंबर वन मूल मंत्र, स्टे पॉजिटिव. आप जितना पैनिक करेंगे, जितना स्ट्रेस एंजाइटी होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी. कॉर्टिसोल रिलीज होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, इम्यूनिटी पे सीधा इंपैक्ट आएगा. और अगर आप बीमार नहीं भी होते, कोरोना वायरस भी नहीं होता, तो आप अल्टीमेटली बीमार पड़ जाते क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई. तो नंबर वन, नो कॉर्टिसोल, मतलब नो स्ट्रेस, नो पैनिक, नो एंजाइटी. आप खुश रहिए, बच्चों के साथ खेलिए, चेस खेलिए, जो भी आप करते हैं. मैं हुला हूप करती हूँ, मैं कली छोटा खेलती हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जिससे थोड़ा सा हैप्पी रहने में मदद मिले. नंबर टू, स्टे एक्टिव. जितना आप एक्टिव रहेंगे, धूप, अगर जैसे आज धूप नहीं निकली है, आज बारिश का मौसम है, तो ये थोड़ा हमारे लिए फिर से गलत चीज़ हो जाती है. विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. लेकिन एक्सरसाइज उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज दिन के 5 सूर्य नमस्कार आप लोग लिख लीजिए. जो लोग 5 नहीं कर सकते वो 2 सेट जरूर करें. सूर्य नमस्कार आपको हेल्प करेगा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में. एक्सरसाइज आपका मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करेगी, आपका जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी. उसके अलावा आता है इम्यूनिटी डाइट्स, लिम्फैटिक सिस्टम. लिम्फैटिक सिस्टम है थर्ड पॉइंट, ये कि आप लोगों को अपने आप को हाइड्रेट रखना है, खूब सारा पानी पीना है. एंड रिमेम्बर, जो पानी है वो गर्म, और पानी कौन सा, गिलोय का पानी, और कौन सा, टर्मरिक जिंजर का पानी, अजवाइन सिनेमन वाटर, ये सब इम्यूनिटी आपकी इन्हांस रखेंगे. दिन में एक ग्रीन पाउडर लेना जरूरी है, जैसे कि अगर ग्रीन पाउडर नहीं तो एक सूप लेना जरूरी है. डाइट, इम्यूनिटी की डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग क्या करते हैं, सेल्फ आइसोलेशन में स्टॉकिंग कर लिए, घर में कुछ सामान रख लिया जिसमें चिप्स भी होंगे, बिस्किट्स भी होंगे, ब्रेड्स भी होंगे. अनहेल्दी ईटिंग नहीं करनी है. ये आपके पास टाइम है बॉडी को क्लेंस करने का, अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने इम्यूनिटी को इन्हांस करने का. हर एक पर्सन वायरस से लड़ सकता है. वायरस सिर्फ आज नहीं, वायरस बैक्टीरियाज तो कब से और जब से हम लोग पैदा हुए हैं उससे पहले से ही वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं. हम लोग आज तक बचे हुए हैं. रीजन, हम लोग इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि मेरी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है. और बाकी भी जो काफ़ी लोग कोरोना वायरस से इफेक्टेड थे, काफ़ी लोग रिकवर हो रहे हैं. बाई चांस हम लोगों को उसकी न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती है, हमें न्यूज़ सिर्फ इसलिए मिलती है कि वो बीमार हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल गाइज.
इम्यूनिटी की डाइट आप लोगों को मैंने दी थी एक एक दिन की. अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको 21 डेज का कोर्स करना है देन डेफिनेटली यू कैन गूगल पे करेंगे 9988111000 6300 rupees फॉर 21 डेज अदरवाइज 2100 rupees फॉर वन वीक. मैम टीना ढींगरा जी ने मैसेज भी किया, यू कैन सी, वो कह रहे हैं थैंक यू फॉर द इम्यूनिटी प्लान. थैंक यू टीना जी. चलिए अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि मैं वेट कर रही थी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाए उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चीज करूंगी. मैं एक मदर हूँ, मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ. मैं क्योंकि हेल्दी ईटिंग कुकिंग रेसिपीज करती हूँ तो क्या होता है शायद इसलिए लोग ज्यादा रिलिश नहीं करते होंगे. मैं आपको आज वो करके दिखा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी करना चाहिए. फर्स्ट ओपन योर फ्रिज. मैं आपको बता दूं मैं बहुत कंजूस हूँ. हाँ माय नेम इज श्रेया गोयल. सो मैं बहुत कंजूस हूँ. कंजूस ना मैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर सकती हूँ ना मैं पानी वेस्ट कर सकती हूँ. अगर मैं अंडे वाइट खाती हूँ तो येलो जब ऐसे निकाल देती हूँ तो रोज ये मैं नीचे डॉग्स आते हैं स्ट्रीट डॉग्स उनको देने जाती हूँ. अगर घर पे जैसे शौर्य 1 साल का है 1.5 साल का है तो वो खाना छोड़ देता है तो वो खाना मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग खाते हैं पर कई बार नहीं खाया जाता है. तो जैसे ये इसका आटा था. अब आटे का भी अगर मैं आपको बताती कि मैं शौर्य को क्या देती हूँ ग्लूटेन फ्री एक मल्टी ग्रेन आटा है जिसमें मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती. 5 फूड ग्रुप्स मैं इसमें डाल देती हूँ. और 5 फूड ग्रुप्स कौन से हैं आप लोगों ने सबने अनज्ञान DSA के अंडर आता है वहां पे आपने कोर्स किया हुआ है अनज्ञान 1 इनकेस अगर मिस कर दिया तो अनज्ञान 2 अभी आ रहा है 5 अप्रैल को जिसका प्राइस है 1500 rupees. आप 9988111000 में उसके लिए पे कर सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे मेरी टीम वर्क नहीं कर रही है. वी आर वर्किंग वर्क फ्रॉम होम. सो आप लोगों को जो भी पैकेज लेना है यू कैन ऑलवेज गूगल पे ऑन So, मैं आपको बता रही थी पीछे कैमरा के पीछे शौर्य है. मैं आपको बाद में सबको मिलाऊंगी शौर्य से. ये शौर्य की प्रॉन्टी है. तो हम लोग प्रॉन्टी में क्या डालते हैं किनुआ का आटा रागी का आटा चावल का आटा बेसन क्योंकि चावल और बेसन कंप्लीट अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं और किनुआ रागी राजगीरा का आटा ये बहुत सारे आटे मैं इसमें डालती हूँ. और उसके अलावा गूंथी किससे हूं सूप से. और अब सूप कैसा है ऐसा सूप है. और बाय चांस क्योंकि शौर्य के टाइम पे प्रेगनेंसी में मैंने बहुत हेल्दी ईटिंग की थी इसलिए शौर्य सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं. सो पर मेरी बेटी जो है सादगी वो सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती. वो बहुत पिकी ईटर है. वो पापा पे गई है. सो मम्मा पे जो गया है वो अच्छा है जो पापा पे गया है वो भी अच्छा है क्योंकि जो शूटिंग है इस टाइम पे पापा कर रहे हैं तो पटाना जरूरी है. ओके सो आर यू गाइस रेडी कि मेरा लेफ्ट ओवर रेसिपी क्या है. जस्ट गिव मी थम्स अप. अच्छी यार ये लेफ्ट ओवर रेसिपी डायरेक्शन श्रेया. लेट मी सी अगर आप लोग मुझे हाँ बोलोगे तो मैं आगे आपको रेसिपी भेजूंगी अदरवाइज नहीं बोल रहा कोई मैम चले रहने दे. ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरा यूनिक रेसिपी मेरी एक ऐसी रेसिपी चाहिए जो इस टाइम पे इम्यूनिटी रेसिपी है और बच्चों के लिए खासकर तो आपने क्या करना है आपने गो श्रेया गो आपने ये लिखना है. स्वाति हाय. स्वाति ने लिखा ऑफकोर्स मैम लेट्स स्टार्ट. स्वाति आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल टू जॉइन मी क्योंकि सब लोग न्यूज देखने में बिजी हुए हैं. आई वॉन्ट यू टू डाइवर्ट योर अटेंशन सो दैट हैप्पीनेस और एंजाइटी छोड़ के हैप्पीनेस के साथ हम लोग अपने दिन की शुरुआत करें. शार्दुल मित्तल ने बोला यस नहीं आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन इन और वो लोग बोले गो श्रेया गो. महेश जी ने हाँ बोला दीक्षा ने यस बोला स्वाति कश्यप जी हाउ आर यू. अरे चलिए ठीक है कोई बात नहीं. सुक्रमन रीनू आगे यस बहुत सारे नीलिमा फिर हम स्टार्ट. मैं क्या रेसिपी एक बार दोबारा सबको बता दो. अब मैं आपको रेसिपी बताती हूँ लेफ्ट ओवर. एक रेसिपी इधर मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ कोई बात नहीं. ये संतोष है और ये मेरे को मेरा हेल्प करता है. मेरी बहुत बड़ी हेल्प है ये. संतोष ना मुझे एक चीज पे बहुत डांटता है. सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हम दोनों सेफ है. अच्छा संतोष ना मुझे कहता है संतोष नहीं कहता वो कहती थी खुशी
खुशी कहती थी मेरी एक और हेल्पिंग हैंड थी, मैं बासा खाना देते हो तो बासा खाना आई डोंट नो बस मैं लेफ्ट ओवर में आपको वही बता रही हूँ कि आज हम लोग जो बना रहे हैं वो लेफ्ट ओवर से बना रहे हैं. आज हम पता है क्या बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं. वही जो हम चौड़े के लिए सूप बनाते हैं ना हेल्दी वाला, आप बताओ कि हम सूप में क्या क्या डालते हैं, इनको ये लिस्ट दिखाओगे सबको बताओ. अगर मैं कहीं पर नहीं होती हूँ तो ये लोग सूप बनाते हैं और ये इस पर्ची पे मैंने लिख के रखा है मैं बहुत सन की मम्मा हूँ. हाँ बताइए. इसमें गोभी, चुकंदर, बीन्स, गाजर, मटर और पालक और अदरक दाल. जोर से बोल रहे हैं. हाँ ओके. नहीं न्यूट्रिशनल ईस्ट, सॉरी न्यूट्रिशनल ईस्ट जो कि B12 और प्रोटीन का सोर्स होता है. गोभी, आलू, मटर, बीन्स, दाल, कच्ची हल्दी. आप जाओ कपड़े, बारिश आ रही है उसको कपड़े उठाने जा रहे हैं. सो ही इज गोइंग. मैं आपको बता देती हूँ मैंने ऐसे अपने मेट्स के लिए ऐसे रेसिपी लिख के रखी है, ये लोग इसी को रेफर करते हैं ताकि कोई गलती ना हो. मैं आपको दोबारा बता दी, टमाटर, गाजर, चुकंदर, पालक, घिया, हल्दी, अदरक, सोया, न्यूट्रिशनल ईस्ट, गोभी, आलू, मटर, बीन्स, दाल, कच्ची हल्दी और पालक का प्यूरी बना के रखती हूँ वो इसमें हम लोग डालते हैं. और उसके अलावा दाल डलती है, सोया ग्रैन्यूल्स डलते हैं, ये सब सूप में डलता है ताकि जो ये सूप है ये ओवरऑल इसमें सारे जो फूड वैल्यूज है वो हो जाए. ये वही सूप है ना? और ये वही दिखाना ऐसा बन जाएगा. इसी सूप से शौर्य का आटा गूंदा जाता है और जो भी शौर्य के लिए दाल बने, सिर्फ शौर्य के लिए नहीं पूरे फैमिली के लिए, ये सूप पे बना के रख लेती हूँ और इसी सूप से हम लोग फिर आगे सब चीज़ें चाहे दाल हो चाहे आटा गूंदना हम सब इसी चीज़ से करते हैं. और आज मैं इम्यूनिटी खिचड़ी बनाने वाली हूँ. सो आप लोग देख लीजिए कैसे बनाना है. दैट्स वेरी सिंपल. ये जो आपके पास सूप है मेरे पास ये सूप बच गया है और अब क्योंकि मैं दो दिन से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं प्रेफर करती कि वो पड़ी रहे तो इसीलिए मैं उसको यूटिलाइज पहले कर लेती हूँ क्योंकि जितना स्टेल फूड होगा उतना ज़्यादा उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगा. सो इसीलिए दो दिन से ज़्यादा मैं कोई भी चीज़ को नहीं रखती हूँ और हर सुबह मेरी मील प्लानिंग फ्रिज को देख कर होती है कि क्या लेफ्ट ओवर फूड्स हैं. सो एक शौर्य के लिए बनता है पूड़ा जो कि कल मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि बच्चे के लिए पूड़ा कैसे बनाते हैं जो पूरा 5 फूड ग्रुप से बना हुआ है और पूरे दिन अगर आपका बच्चा वो पूड़ा खा ले तो उसको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है. तो कल मैं आपको दिखाऊंगी शौर्य का पूड़ा बनाते हुए. सुबह बनाती हूँ मैं 12 बजे तो मैं आपको 12 बजे पूड़ा बना के दिखाऊंगी. उसके बाद हम शौर्य का आटा गूंथ कर दिखाएंगे आपको 2 बजे. फिर उसके बाद कोई और रेसिपी रह जाएगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी. सो ये मैंने यहाँ पे सूप डाला और उसके अलावा मेरे पास ये कल के काले चने और चावल बचे हुए थे. ये आप देख लीजिए कल के काले चने चावल और कल का सूप ये मैंने इसमें डाल दिया. काले चने और चावल खिचड़ी का मतलब है सब चीज़ों को मिक्स कर दो जो भी पड़ा हुआ है. ये एक और सूप है मेरे पास काले चने का जो कल काले चने बने थे तो उसका सूप मैंने रख लिया था. सो चावल आ गया, काले चने आ गए. अब क्या सोया न्यूट्री, जिन लोगों को थायराइड है वो लोग नहीं डालेंगे थायराइड का कोई भी बैलेंस, बाकी लोग डाल सकते हैं. और मैं आपको बता दूं दालों में वेजिटेरियन सोर्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोया में ही होता है. सो ये मैंने इसमें सोया न्यूट्री डाल दी. ग्रैन्यूल्स बड़े बड़े चंक्स डालोगे तो बच्चों के मुँह में आएंगे और वो नहीं खाएंगे. फिर मैं इसमें थोड़े से ओट्स डालूंगी. ओट्स में B12 विटामिंस बहुत अच्छे होते हैं, बी विटामिंस बहुत अच्छे होते हैं और इसमें सॉल्युबल फाइबर है जो हमारे गट के लिए भी अच्छा है. सो मैंने ये यहाँ पे ओट्स डाले. मैं आपको दोबारा बताती हूँ सूप की रेसिपी मैंने आपको बता दी थी. मैंने इसमें सूप में कच्ची हल्दी और कच्चा अदरक डालती हूँ, थोड़ा सा आंवला क्योंकि अगर इतना सारा आयरन है आपके सूप में और अगर आपने आंवला नहीं डाला, विटामिन सी नहीं डाला तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. सो इसमें मैंने थोड़े ओट्स, थोड़ा सोया ग्रैन्यूल्स, कल के बचे हुए चावल और चने और सूप. सूप की रेसिपी मैंने आपको बता दी थी. और अब फ्रेश भीगे हुए दाल चावल ये हमने इसमें डाल दिए. अच्छा अब ये तो हो गया मम्मा का मैजिक यानी कि हेल्थ का खजाना जो कि हो सकता है कि फ्रेश में बच्चों को ना अच्छा लगे तो आप क्या करोगे ऊपर से
कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स डालिए ताकि बच्चों को भी पता ना चले ये ट्रिक मम्मा का कि ये सब हेल्दी हेल्दी और सब ऐसा ऐसा है. तो उनके जो मुंह में आना चाहिए वो है मटर, आलू क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है. जब ऑफ डाइट डाइट्स होते हैं तो हम लोग आलू नहीं डालते, पर आप लोग अगर ऑफ डाइट्स हो तो यहाँ पर आप बीन्स, आलू, मटर, गाजर, क्योंकि ये बच्चों को टेस्ट अच्छा लगता है. तो ये मैंने ऊपर से और डाल दिया ताकि बच्चों को टेस्ट अच्छा आ जाए. अभी क्योंकि वायरस का टाइम है तो आपको पानी बॉइल्ड लेना है, सिंपल पानी नहीं लेना. मैं सुबह ही पानी को बॉइल करके रखती हूँ. इस पानी में कुछ मिक्स है, इस पानी में जीरा उबला हुआ है. तो जीरा में बहुत अच्छा आयरन होता है ऐसी, क्योंकि फोर्टिस में मतलब अपने हॉस्पिटल में जब मैं थी तो हम लोग कैंसर पेशेंट को जिनको कीमो भी लगता था उनको ये वाला पानी देते थे जिससे उनका आयरन. सो ये वाला पानी जो बॉइल्ड है इसमें मैंने जीरा उबाला हुआ है. मैं रोज इसमें कुछ ना कुछ अलग उबालती हूँ, कभी जीरा, कभी अजवाइन, कभी तुलसी, ऐसे चीज़ों को मैं पानी में उबाल के रखती हूँ. प्लेन पानी हम लोग नहीं लेते हैं, कोई ना कोई पानी में कोई ना कोई चीज़ बॉइल होती है. और मेरे लिए खासकर वो टर्मरिक जिंजर का सुबह ही पानी बन जाता है, अजवाइन, दालचीनी सब डाल. बस ये देखिए ये इसमें ऐसी ये कंसिस्टेंसी है. अब हम लोग गैस को ऑन करेंगे. आपने देखा मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि सूप में नमक था, लेकिन नमक आपको मैं यहाँ पे टिप देती रहूंगी साथ साथ में कि अगर आप खाने को उबालते हुए उसमें नमक डालिए तो बी वाइटमिन्स खराब हो जाएंगे और नमक न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब करेगा चीजों की. तो हम लोग क्या करेंगे, नमक एंड में डालेंगे जब पक जाए. अब इसको हम लोग 3 से 4 विसल्स देंगे और मीन वाइल मुझे उसका तड़का तैयार करना है. तो हम तड़का तैयार करते हैं. I'll take this karchi. Then I'll take the ghee. मैं आप लोगों को ब्रांड नहीं दिखाना चाहती इसलिए मैं आप लोगों से छुपा रही हूँ. I'm sorry for that. कई लोगों का नेचर होता है वो पॉजिटिव चीजें छोड़ के सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखते हैं. सो इसीलिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, राइट. सो ये फोन चल रहा है जी. अच्छा मैं आपको बात करते करते दिखा दूं. मैं बादाम रोगन तेल की बच्चों के लिए कुछ भी जैसे बनाना हो, मैं मोस्टली कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ. आज अभी मैंने थोड़ा सा घी यूज़ किया है, बट अदरवाइज कोकोनट ऑयल मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होता है. इनकेस अगर ऑयल यूज़ करना हो तो मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा अगर आप देखेंगे सिर्फ इतना सा घी लिया है क्योंकि बच्चों या घर में मेरे को ये देखना है कि डोमिनेंटली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. जो फैट है वो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मैंने घी बहुत थोड़ा लिया. जिनको और चाहिए होगा, जैसे मैं नहीं लेकिन जिनको और चाहिए होगा वो लोग अपनी खिचड़ी में ऊपर से डालेंगे. सो अब हमारी शान है हींग. थोड़ी सी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है पर मैं थोड़ा सा इसमें जरूर डालूंगी. सो थोड़ा सा हींग और अजवाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अजवाइन और आप सबको पता है जीरा, जीरा बहुत इंपॉर्टेंट है. जीरा डाल दिया और हल्दी. आप इसमें लहसुन अदरक का अगर पेस्ट डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं. स्टे हियर आई गेट अदरक लहसुन का पेस्ट. बेबी को कोई और संभालना है इस टाइम पे. सो आई नीड सम हेल्प.
तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ बिकॉज आई एम वर्किंग. सो ये बहुत जरूरी होता है कि चीज़ों को पूरी प्लानिंग करके रखो. सो यूजली माय हस्बैंड डजंट हेल्प मी इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज. आज वो पहली बार है सो डोंट टेक दैट इंप्रेशन कि आई एम वेरी लकी. ओके नो एवरी वुमन इज सेम. नो वन इज लकी. एवरी वुमन इज सेम राइट. अदरक लहसुन का पेस्ट हल्दी एंड घी. सो ये खिचड़ी साथ साथ में हमारी रेडी हो रही है. इसको इसमें तेज वाले गैस में रख देते हैं. और मीन वाइल मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ कि अपने घरों में जैसे ये मैंने कच्ची हल्दी ग्रेट करके रखी हुई है. सो जितनी भी चीज़ें ऐसी हेल्दी होती हैं और जो सीजनल होती हैं उनको आप थोड़ा बहुत स्टोर भी करके रख सकते हो. सो दिस वॉज अ तड़का विच इज रेडी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी. मुझे तो वैसे भी घी जीरा और हींग का तड़का उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है. So, खिचड़ी कितनी सीटियों में बन जाएगी अभी? ये चार तो हमने अभी बना दिया इसको. हाँ लेकिन मैंने तड़का पहले से ही रेडी करके रखा है. जब सीटी आ जाएगी मतलब कुक हो जाएगी उसके ऊपर से मैं ये तड़का. मैम कुछ डाइट के क्वेश्चंस ले लें तब तक बीच बीच में. आप मुझसे डाइट या आपको जो भी रेसिपी चाहिए ना वो रेसिपी आप क्या करो मुझसे पूछ सकते हो. और उसके अलावा डाइटिशियन श्रेया DIETITIAN डाइटिशियन श्रेया उस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे आप किसी भी चीज़ की रेसिपी देख सकते हैं. देखिए ये तड़का हमारा रेडी हो गया. सो हम लोग इस तड़के को रख लेते हैं. खिचड़ी बनने वाली है कितना कम टाइम लगा और ये सूप और खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगी. हाँ अब आपको मैं बता दूँ इस वायरस के टाइम पे हम लोगों ने कर्ड नहीं खाएंगे क्योंकि सोर थ्रोट का अभी टाइम है और अभी चेंजिंग सीजन है. तो कर्ड की जगह पे तिल की चटनी हरा धनिया तिल उसकी चटनी आप बना के खा सकते हैं. मिर्ची का अचार खा सकते हैं. अदरक का अचार खा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या लेती हूँ. ये आपके हरे धनिया और तिल की चटनी है. ये मिर्ची का अचार है टेस्ट के लिए बिना ऑयल के. और इसी तरह नमक डाला हुआ है नींबू डाला हुआ है और सेम वे आप ऐसे अदरक का बना के रख सकते हैं. मैम कुछ क्वेश्चंस हैं अरिजिता दत्ता का. मैम हाउ आर यू. इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या खाना है जी. और मेरी 5 मंथ बेबी है. अच्छा. एंड मैं फीड करा रही हूँ उनको. हाँ जैसे गैलेक्टा वो फूड्स होते हैं जो आपका ब्रेस्ट फीड बढ़ाते हैं. सो आपको वो जो वीडियो है गैलेक्टा वो फीड्स वो डाइटिशियन श्रेया DIETITIAN डाइटिशियन श्रेया के चैनल पे आप देख लीजिए. पूरा गैलेक्टा वो की वीडियो मैंने उसमें डाली हुई है. इनफैक्ट कल परसों मैंने ब्रेस्ट फीडिंग का वीडियो भी डाला था अपलोड किया था. और हाँ ये मैं मंचिंग कर रही थी आप ये देख सकते हैं मैं क्या मंचिंग कर रही हूँ. पम्पकिन सीड्स है. सो आप ये पम्पकिन सीड्स अपने बच्चों को ज़रूर दें चाहे वो 7 महीने का हो साल का हो या कोई भी एज में चाहे आपका हस्बैंड हो उनको दे सकते हैं. मैम एक क्वेश्चन पूछा है रियान ने व्हाट वी कैन ईट ऑन ब्रेकफास्ट टाइम. ब्रेकफास्ट डिपेंड करता है रियान हर एक का अलग होता है कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हो थेरापीटिक कंडीशंस है या क्या है. जैसे अगर मेरे को वेट लॉस करना होता है तो आई टेक प्रोटीन्स. क्या लेती हूँ जनरली मैं हर एक दिन का मेन्यू अलग होता है बट स्टिल बेसन का पूरा कभी पोहा कभी राजमा चाट कभी वाइट चना चाट बट मोस्टली आई टेक नो हेच एग्स जो एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट होते हैं वो लोग बोल सकते हैं. मैम टीना जी का एक सवाल है जिंजर टर्मरिक कब तक स्टोर करके रख सकते हैं. गुड क्वेश्चन. अ डे मतलब नॉट मोर देन अ डे. अगर पूरी रात वो पड़ा रहेगा तो वो पानी खराब हो जाता है. तो इसीलिए सिर्फ आपको सुबह बना के सोने से पहले तक खत्म करना चाहिए. वो आप पूरा दिन नहीं रख सकते. हाउ मच देसी घी किड्स नीड टू टेक इन अ डे. चिल्ड्रन नीड्स टू हैव 40 grams ऑफ फैट्स ऑयल इन अ डे. सो डिपेंड करता है मतलब जैसे मेरी जो बेटी है 8 साल की उसको मैं सिर्फ 2 चम्मच देती हूँ दैट मीन्स 20 grams. शौर्य को 40 grams फैट की जरूरत है.
तो आपका हर एक लाइफ स्टेज अलग अलग होता है, तो शौर्य को फैट कौन कौन सा देती हूँ मैं? कोकोनट ऑयल, बादाम, रोगन तेल, देसी घी, चीज स्लाइस, ये सब दे सकते हैं। मैम सिमरन जी का क्वेश्चन है, मैम ड्यूरिंग दिस टाइम शुड वी बाय वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑनलाइन और फ्रॉम लोकल मार्केट? सिमरन एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि आप जो भी सब्जी लेकर आओगे, आई टेक अ मोमेंट हियर, सी कैन आई टेक अ चेयर प्लीज? यस ओके। सो आप कहीं से भी, आप कहीं से भी अगर वेजिटेबल्स या कुछ भी लेते हैं, सो थैंक यू। किसी का भी बात है, पूरा दिन काम कराते हो। ओके, सो आप कहीं से भी सब्जी या अपने चीजें ले सकते हैं, आप इस टाइप की आप सब्जियां खा सकते हैं। इनको आपने वॉश कैसे करना है, गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर डालकर उसको रख दीजिए 15-20 मिनट, फिर से उसको वॉश करिए आलू में, और फिर स्टीम कर या जिससे सब्जियां पका रही हूँ मैं, उतना सेफ है। अगर मैं कच्ची खाती तो हार्म था। मैम सोनिया नरोला जी पूछ रहे हैं कितने लेने चाहिए पम्पकिन सीड्स? हाय सोनिया जी, क्योंकि मैं वेट लॉस डाइट्स पे रहती हूँ मोस्टली, सो पम्पकिन सीड मतलब पूरे दिन में एक चम्मच सीड्स एंड नट्स लेती हूँ मैं बस। मैम बीपी को कंट्रोल करने के लिए रेमेडी बताइए, जो ग्राज कौर पूछ रही है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड क्या आपको सब्जियों का सूप वाला डाइट लेना चाहिए, चिया सीड्स आप ले सकते हैं, आपको अचार पापड़ चटनी ये नहीं खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना तो बहुत ईजी होता है, उसमें कोई इशू ही नहीं होता है, मतलब मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं कर पाते, पर ब्लड प्रेशर कंडीशन, डायबिटीज, PCOD, ये कंडीशन ऐसी है जो बहुत ईजिली रिवर्स हो जाती है। फैटी लीवर के लिए कौन से फूड इंपॉर्टेंट है? फैटी लीवर के लिए हाई प्रोटीन डाइट इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट जूस पिएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपका फैटी लीवर रिवर्स नहीं होगा। मैम वो दीवान जी पूछ रहे हैं व्हाट फीमेल आई थिंक व्हाट वी ईट एट स्नैक टाइम अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स नट्स एंड ऑल, इसके अलावा क्या खा सकते हैं 4 बजे के टाइम पे? मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, डिस्क्लेमर अलर्ट, ये वेट लॉस वालों के लिए नहीं है, बट अगर आप स्नैक के टाइम पे यूजुअली खाना चाहते हैं तो आप पोहा बना सकते हैं, बेसन का पूड़ा बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, या फिर वैसे तो देखिए हमारी इतनी एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसलिए आप लंच जो है उसी से पेट भरिए, स्नैकिंग टाइम पे आपको उतना नहीं कुछ खाना चाहिए, बट स्टिल आप अलसी की पिन्नी खा सकते हैं, अलसी की पिन्नी बहुत ही अच्छी होती है, किसी भी सीजन में खा सकते हैं, आप गर्मी में भी खा सकते हैं, जिसमें अलसी को कम कर दीजिए, बाकी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दो, क्योंकि गर्मी या सर्दी आपको अपने ओमेगा फैटी एसिड्स तो लेने ही पड़ेंगे जी। मैम क्या एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मेरी डिलीवरी 5 मंथ को हो गए हैं? आप 6 मंथ्स के बाद डेफिनेटली कर सकते हैं, पर अभी आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैम ज्योति, प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, जब शौर्य हुआ था तो मैंने अपनी खुद की एक्सरसाइजेस डाली थी, प्लीज आप वो देख लीजिए, GIETITIAN SHREYA। ओके, ज्योति जी पूछ रही है अपने बेबी को सॉलिड फूड कौन से महीने से देना शुरू कर दो? 6 मंथ्स आफ्टर, और सॉलिड फूड बच्चे के लिए भी विनिंग फूड जो है उसका भी कंप्लीट डाइट प्लान विनिंग फूड का मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, DIETITIAN डाइजेशन श्रेया। पता है मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, और जो मैं करती हूँ मैं आप सब तक बताना चाहती हूँ, आई एम एन ओपन बुक, मतलब जो मैं वो आप सबको पता है, तो इसीलिए यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ डाइट प्लान और रेसिपीज फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। रीता सचदेवा जी पूछ रहे हैं यस मैम एक क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग, आई थिंक बहुत लोग ये पूछना चाहेंगे, कैन यू प्लीज गिव सम टिप्स ऑन नवरात्र फास्टिंग? जी आप नवरात्र फास्टिंग टिप्स की आप पूरा डाइट प्लान लीजिए, 1500 रुपीज का डाइट प्लान है नवरात्र का, आप अगर आज गूगल पे करते हैं 9988111000 तो आपको कंप्लीट 9 डेज का डाइट प्लान, पूरी चना खाने के बाद कैसे डिटॉक्स करना है वो आ जाएगा, तो गूगल पे 9988111000 एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स 1200 रुपए, न्यू क्लाइंट्स 1500 रुपीज, आप जैसे ही गूगल पे करेंगे आपको डाइट प्लान आ जाएगा, बट टिप्स यस टिप्स इज के आपको वैसे भी सिर्फ 2 मील खाना चाहिए नवरात्रों में भी, एंड ट्राई टू अवॉइड ऑल द रॉ थिंग्स दिस टाइम, ट्राई टू अवॉइड कर्ड, मैंने इसीलिए अपने डाइट प्लान्स में नवरात्रों के डाइट प्लान्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी जो आपको कोरोना वायरस के टाइम पर अवॉइड करनी चाहिए। मैंने गैस ऑफ कर ली है, जैसे ही बनेगी मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी, बट टिल द टाइम मैं आपको कुछ मिथ जरूर क्लियर करना चाहती हूँ। किचन हैक्स और किचन
में कुछ ऐसी चीजें जो आपको कैंसर कर सकती है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपने देखा ये जो प्रेशर कुकर है, दिस इज ऑफ स्टेनलेस स्टील, इसमें आप कुकिंग करिए। जितने भी लोग एल्यूमिनियम के कुकर यूज करते हैं वो गलत करते हैं, उनको बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, उनको आप कैंसर दे रहे हैं खाने के लिए। सो आपको एल्यूमिनियम का कुकर नहीं यूज करना। कई लोग दूध उबालते हैं एल्यूमिनियम के कुकर में, वो नहीं। कई लोग कढ़ाई यूज करते हैं एल्यूमिनियम की, अगर आप वो करेंगे तो सब गए। अब जैसे मैं कौन सी कढ़ाई यूज करती हूँ, लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पर एक मेरे पास कढ़ाई है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये कढ़ाई है। इसमें वो भी नहीं यूज होता है, ऑयल भी यूज नहीं होता है। ये बिल्कुल नॉन स्टिक कढ़ाई पैन है, लेकिन इसमें नॉन स्टिक कोटिंग नहीं है। सो ऐसी चीजें भी आपको मार्केट में मिलती है। लेडीज ज्वेलरी खरीदती है, मैं ऐसी चीजें सर्च करके खरीदती हूँ। सो दैट्स माई काइंड ऑफ स्टाइल। सो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो एक ये मिथ था। दूसरा मिथ है, जो अनलियन टू में भी आपको बहुत चीजें पता चलेगी, कभी भी आप अपने किचन में ऐसे कोई चाकू ना रखो। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये स्टेनलेस स्टील का चाकू है, फ्रूट्स हम इसी से काटते हैं। अगर मैं फ्रूट लोहे के चाकू से काटूंगी तो वो आयरन ऑक्साइड आपके बॉडी में और टॉक्सिन्स बनेंगे। सो हर एक चीज के लिए अलग चाकू होना चाहिए, टमाटर के लिए अलग, प्याज के लिए अलग, फ्रूट्स के लिए अलग। लोहे का चाकू कभी भी नींबू टमाटर नहीं काटना चाहिए, विल गिव यू आयरन ऑक्साइड। सो एनी अदर क्वेश्चन? मैम डायबिटीज की टैबलेट ड्रॉप हो सकती है, मीनाक्षी जी पूछ रही हैं। इंसुलिन ड्रॉप होती है यहाँ पर आए दिन, मतलब आप अगर बिलीव नहीं करते, मतलब आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू शुड ऑल्सो बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो मेडिसिन तो बहुत छोटी सी चीज है, आप करके देखो मीनाक्षी जी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ मीनाक्षी जी, आप जो आज अभी लाइव हो, आप ही हमारे फेसबुक पे जाके, इंस्टा पे जाके लोगों को अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना कि आपका जो भी डायबिटीज है रिवर्स हो गया। रश्मि जी पूछ रहे हैं, मेरी बेटी 17 ईयर्स की है, पीसीओडी है, 3 महीने से उसके पीरियड नहीं आए। पीसीओडी की कंडीशन में हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो, इसलिए उसको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला एक प्रॉब्लम हुआ है, हार्मोनल इंबैलेंस। तो अगर 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं तो आपको पहले तो उसका हार्मोनल स्टडी करवाना चाहिए, उनका अल्ट्रासाउंड करवाइए पेल्विक रीजन का, यूट्रस का। उसमें हमें पता चलेगा कि क्या है। ऐसा तो नहीं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इनकेस अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मेल हार्मोन बढ़ रहा है, मेल हार्मोन बढ़ेगा तो फिर पीरियड्स नहीं आएंगे, फेशियल हेयर ग्रोथ आएगा, मूड स्विंग्स होगा, वेट पुट ऑन होता चला जाएगा। आप ये टेस्ट फटाफट से कराकर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ फिर से, 9988110000। नवरात्रि कल है और मेरा पहला नवरात्र है, मैं सारे नवरात्र के अपने फास्ट रखूंगी। सो नवरात्रि का 9 डेज का फास्ट, उसमें सुपर डिटॉक्स भी होगा जो हम लोग कंजक पूजक के बाद खाएंगे, वो है 1500 रुपीज का। आप गूगल पे कर सकते हैं 9988110000, नंबर वन। नंबर टू, अनज्ञान है 5 अप्रैल को, जितने भी लोगों को न्यूट्रिशन पे कुछ सीखना है, कैसे कौन सी बीमारी के लिए क्या टेस्ट करवाएं, क्या डाइट दें, तो वो अनज्ञान टू पे होगा, 1500 रुपये उसके चार्जेस है। ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार होगा या फिर ऐसे हम लोग आपको क्लासेस देंगे। लखबीर सिंह अनी पूछ रहे हैं, स्टमक फैट लूज करने के लिए क्या करें मैडम? ग्लूटेन छोड़ दीजिए, मिल्क छोड़ दीजिए और नमक थोड़ा कम करिए, फ्लोर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और कार्ब्स कम खाओगे, प्रोटीन ज्यादा करोगे तो बेली फैट कम हो जाएगा। और मील के बाद आधे घंटे के बाद गर्म नींबू पानी वो जरूर आप लें। देखिए अगर मैं ये वेट करूंगी टू ओपन द प्रेशर कुकर तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, हाँ, और कई लोग क्या करते हैं, खड़े खड़े ना पेशेंस नहीं हो रहा होता, वो ऐसे विसल ऊपर करके करते हैं। जो भी लोग अपने खाने को मतलब विसल ऊपर करके स्टीम निकाल देते हैं, मैं बता दूं वो खाने के न्यूट्रिशन जो है, बी विटामिंस जो है, वो सारे डेड हो गए, वो स्टीम से निकल जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो कभी भी प्रेशर कुकर को ऐसे विसल को खोल के मत खड़े हो, उससे आपका स्टीम के थ्रू सारी चीजें निकल जाएंगी। मैम कैन यू ट्रीट अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा? यस वी कैन, वी हैव बीन, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स हैं ये, तो इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं हम लोग, आईजी करवा लेते हैं, लंग्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, स्पायरोमीटर वगैरह वो हम लोग करा के डेफिनेटली हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन करते जाइए, मैं आपको उस पर आंसर करते जाऊंगी। लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ, इम्यूनिटी खिचड़ी बस रेडी होने वाली है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपको वेट करना है इसको देखने के लिए, या एक बार ही जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि अराउंड 400 फेसबुक पे और ऐड हो गए हैं, व्हाट आई वांटेड टू नो कि इसकी क्या, एक बार इंग्रेडिएंट दोबारा बता दो फटाफट से। मैं घर पे लेफ्ट ओवर फूड से
से आज प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा नाम श्रेया गोयल है. आई डोंट वेस्ट थिंग्स. आई एम वेरी सनकी अबाउट माई थिंग्स, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई भी चीज़. सो मैंने अपने मेट्स को ये चीज़ें दिए हुए हैं बनाने के लिए. ये एक सूप की रेसिपी है जो अगर मैं घर पे नहीं होती हूँ या क्लिनिक में होती हूँ, विच आई एम मिसिंग, बट दैट्स फाइन. ओके, सो सूप कैसे बनेगा? टमाटर, गाजर, चुकंदर, पालक, घिया, हल्दी, अदरक, सोया, न्यूट्रिशनल ईस्ट, गोभी, आलू, मटर, बीन्स, दाल, कच्ची हल्दी, लहसुन, कच्चा अदरक, ये सब चीज़ें मेरे मेट को, मैंने ये पेपर लिख के दिया हुआ है, वो रोज़ इसको देख के बनाते हैं. तो ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके पानी कौन सा यूज़ करते हैं? ऐसा जीरा का पानी उबाल के, क्योंकि नॉर्मल पानी नहीं, उबला हुआ पानी यूज़ करना चाहिए हमेशा, चाहे आपके घर में कोई भी फिल्टर वाटर हो. तो ये पानी में सूप बन जाता है. जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये सूप 2 दिन पुराना था और इसी सूप को बना के रखती हूँ मैं, और इसे आटा गूंद लेती हूँ बच्चों के लिए, और खिचड़ी बनती है, दाल बनती है, तो इसी में यही वाला सूप का पानी जाता है. सो अब मेरे घर में लोगों को आदत है ये वाला चीज़ खाने की. सो खिचड़ी में मैंने क्या क्या डाला था? मैंने इसमें ओट्स, वो वाला सूप, ओट्स, न्यूट्री ग्रैनुल्स, जिनको थायराइड इम्बैलेंस है वो ना डालें सोया, बट अदरवाइज मैंने इसमें सोया डाला है, ओट्स डाला है, आप लोग रागी के दाने भी डाल सकते हो. और फिर मैंने इसमें फ्रेश सब्जियां और काट के ऊपर से डाल दी, ताकि बच्चों के मुंह में जब उनका फेवरेट मटर या आलू आएगा तो उनको खाने में अच्छा लगेगा. मैं नमक नहीं डालती हूँ खाना कुक करते हुए, नमक हमेशा ऊपर से डालना चाहिए. तो अब मैंने ये एक तड़का तैयार करा था, इसमें थोड़ा सा घी या आप जो भी प्रेफर करते हैं, हर एक ऑयल को 30 डेज के बाद बदलना इंपॉर्टेंट है, हल्का सा घी, इसमें लहसुन, अदरक का पेस्ट, जीरा, अजवाइन, हल्दी, और ये सब डाल के बस मैंने इसको रखा. और अब जब ये कुक हो जाएगी मैं ऊपर से इसमें नमक डालूंगी. नमक मैं सेंधा नमक नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें आयोडीन कई बार नहीं होता है. सो नमक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. अगर आप पिंक सॉल्ट भी करना चाहते हो तो ऐसे कोई ब्रांड का कर सकते हो जिसने आयोडीन ऐड किया हो, जैसे इसमें आयोडीन एडेड है. तो आप कोई भी ब्रांड यूज़ करो, या चाहे 10 रुपये वाला पैकेट करो, आयोडीन होना चाहिए नमक में. और नमक खाना बनाते हुए नहीं डालो, बस अभी जैसे मेरी खिचड़ी कुक हो जाएगी मैं ऊपर से डाल दूंगी. लेकिन सैलड में, फ्रूट्स में, कच्ची चीज़ों में टेबल सॉल्ट डालेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. यस, सो आई टोल्ड यू द रेसिपी ऑल्सो. आज हमने बनाई इम्यूनिटी खिचड़ी बच्चों के लिए, सबके लिए घर पे, चाहे सोर थ्रोट हो या कुछ भी. और मैंने आपको बताया इस बार आप खिचड़ी के साथ कर्ड नहीं खाओगे, इस बार आप खिचड़ी के साथ ये वाला जो मिर्ची है वो, अदरक खा सकते हो, नींबू और नमक वाला. ये मैंने चटनी बनाई थी, ख़त्म होने वाली है. इसमें था, इस चटनी में तिल और धनिया की बनी हुई चटनी थी. और ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया कि सूप बना था, ऐसे ही मैंने आटा गूंदा था. तो ये शौर्य परौंठी खाते हैं, बट इनकेस अगर मेरे घर पे परौंठी बच जाती है, या अगर मैंने सुबह एग्स खाए थे तो एग येलो बच गए. अब ये चीज़ें जाएंगी केटल्स के, यानी कि गाय के, लेकिन ख़राब अगर फंगस लगी हो तो आपको नहीं देना है. सो ये चीज़ें आप रखें, फेंके नहीं कूड़े में. दूसरा, आप जैसे ये अंडे के योग हैं, ये मैं डॉग्स को दूंगी. कल से नवरात्र के बाद व्रत शुरू है, तो आज बस वही जैसे एक प्रथा है कि आज खा लो, एक खाने हैं तो खा लो. कल से हमारा नवरात्र के फास्ट शुरू है. जिन लोगों को भी नवरात्र की डाइट चाहिए, 9988110000 पे आप गूगल पे कर सकते हैं 1500 रुपीज़. आपका नवरात्र डाइट का है 9 दिन का, उसमें सुपर डिटॉक्स भी है पूरी खाने के बाद. आप उसमें लूज कर सकते हैं अपटू 2 किलोज़ 3 किलोज़ तक भी कर सकते हैं. और उसके अलावा अनग्यान है 5 अप्रैल को. इस बार अनग्यान 2 में हम लोग क्या बता रहे हैं, हेयर से लेके टोज तक हर एक बीमारी, यूट्रस से लेके व्हाट लंग्स तक हर एक बीमारी का डायग्नोस, उसका क्या डाइट होना चाहिए, सब चीज़ें. सो अनग्यान 2 का भी 1500 रुपीज प्राइस है, और नवरात्र का भी 1500 रुपीज प्राइस है. आप गूगल पे कर सकते हैं 9988110000. अनग्यान 2 ऑनलाइन होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है. और मैंने आपको बताया कि कभी भी प्रेशर कुकर को, मुझे पता है पेशेंस नहीं होती, पर अगर आप ऐसे करके रखेंगे उसमें स्टीम निकल जाएगी और सारा जो न्यूट्रिशन है वो निकल जाएगा. सो इसको अपने आप पकने दो. सो आई थिंक कि मैं कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं. फिर नीतू जी पूछ रही हैं, अभी जैसे वायरस चल रहा है, कर्ड सही है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने अभी बताया कि कर्ड नहीं खाएं. 2 कर्ड में गुड बैक्टीरिया होता है, वो ऑलरेडी वो प्रोबायोटिक है,
इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, पर बहुत लोगों को इस टाइम पे सोर थ्रोट है, कोल्ड है, कफ है, तो आप कर्ड अवॉइड ही रखें तो बेटर है। और वैसे भी अभी उतनी तरीके से गर्मी नहीं आई है, तो इस चटनी के साथ हम लोग धनिया और तिल की चटनी खा रहे हैं। मैम मेरी बेटी को कोल्ड बार बार हो जाता है, इम्यूनिटी वीक है उसकी। फिर आप ध्यान दें कि अगर आप अपने बच्चे को जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन ए, अगर ये सब चीज़ें आप अगर डाइट में नहीं दे रहे हो तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक है। बार बार कफ कोल्ड होना मतलब इम्यूनिटी बहुत वीक है। हाई टाइम है कि आप लोग प्लीज़ इम्यूनिटी का डाइट प्लान ले लीजिए। मेरे को बहुत दुख हुआ जब लोगों को कोरोना वायरस ने या किसी भी वायरस ने हिट किया। रीज़न क्योंकि मतलब मैं 13-14 सालों से लोगों को बोल रही हूँ इम्यूनिटी का डाइट प्लान ले लो, इम्यूनिटी का इंक्रीज कर लीजिए, खा लीजिए खा लीजिए, पर हर एक एटीट्यूड होता है हमें सब कुछ पता है हम लोग कर लेंगे। दीपा रंधावा जी का एक क्वेश्चन है, आई एम योर फैन, प्लीज़ आई वॉन्ट टू नो, मैं एनेमिक और हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ और मैं रोज़ एम्प्टी स्टमक मेथी दाना पानी पीती हूँ, भीगी मेथी साफ पानी पीती हूँ, क्या एनेमिक एंड हाइपरटेंशन पेशेंट शुड ड्रिंक मेथी दाना पानी एम्प्टी स्टमक? यस, यू कैन हैव मेथी दाना फेनुग्रीक का पानी, बट जीरा एंड सौंफ विल रियली हेल्प यू। जीरा में आयरन बहुत अच्छा होता है स्पाइसेस में, तो जीरा अगर आप लेंगे तो आयरन भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप एनेमिक हैं तो स्पिरुलिना, मोरिंगा एक ग्रीन पाउडर बना के रखिए, आप उसको लीजिए। और हर एक खाने के बाद जो भी आप उसमें आयरन डालेंगे, आई मीन जैसे पालक डालेंगे, बीटरूट डालेंगे, उसके बाद आप आंवला जूस का एक चम्मच जरूर लें, क्योंकि अगर आपने आयरन लिया डाइट में और वाइटामिन सी नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। सो गिलोय का पानी भी आप ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कितना फर्क पड़ा, एंड थैंक्स फॉर दैट अप्रिसिएशन कि आप मेरे फैन हैं। आई जस्ट वॉन्ट द वेल विशेस विद मी, सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली लकी टू हैव यू विद मी। ओके, फेशियल हेयर के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा है, कैन यू सजेस्ट समथिंग फॉर फेशियल हेयर? फेशियल हेयर आपके हॉर्मोन्स के अपसेट की वजह से होते हैं, तो वो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से हो। सो गेट योर डायग्नोसिस डन फर्स्ट। हर एक चीज़ के लिए हर एक साइज फिट नहीं होता है। आपका जो भी डायग्नोसिस, जो भी सिम्टम है, आई मीन जो भी सिम्टम है उसका डायग्नोसिस होगा पहले, डायग्नोसिस के बाद फिर आपका डाइट उसी अकॉर्डिंग बनता है। अब देखिए ये डन है, इसकी स्टीम निकल चुकी है, आई थिंक निकलने वाली है, सो खिचड़ी रेडी हो जाएगी। ओके मैम, तब तक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ये देखिए हल्दी कच्ची मैंने कद्दूकस करके रखी है। ये कैसे की मैम, इसका क्या रेसिपी रहा, कुछ नमक डाला है क्या? नहीं कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हल्दी को कद्दूकस करके रख दिया और इसी ऐसी अदरक को कद्दूकस करके रखा है अलग अलग। सो रोज इसमें पानी में मेरे मेन्स को इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि वो फटाफट से मतलब पूरे दिन का पानी मुझे बना के दे देते हैं। In spite of exercise, I am not. Yay! ये जो तड़का था, इस खिचड़ी में जाएगा। और ये ना जली है खिचड़ी, बस ये थोड़ा इसका जो कंसिस्टेंसी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। कई लोग थिक खाते हैं, मैंने आपको बताया लेफ्ट ओवर में मेरे पास इसमें कल के काले चने और चावल बचे हुए थे, मैंने वो डाले, और सूप बचा हुआ था। मैंने मेरे घर में जो लेफ्ट ओवर होता है उसके हिसाब से मेन्यू डिसाइड होता है। सो लेकिन जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो हम लोग नहीं खा रहे, और डेली मैं कुछ ना कुछ कैटल्स को यानी कि गाय को ज़रूर दूँ, और कुछ चीज़ें मैं स्ट्रीट डॉग्स को ज़रूर देती हूँ, पर वो सेफ होनी चाहिए। अगर वो आप कंज्यूम कर सकते हैं तभी आप आगे दीजिए, उनको फंगस लगी हुई चीज़ें, बेकरी के आइटम, बिस्किट ब्रेड वो नहीं देना चाहिए। सो दिस इज द कंसिस्टेंसी विच वी गॉट। इसमें आप थोड़ा सा देसी घी डाल के खा सकते हैं। इसमें आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस। जैसे मैंने बताया कि मैंने नमक नहीं डाला था, सो आपको ऊपर से नमक डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इस थोड़ी कंसिस्टेंसी को, अब मैंने आपको बताया कि जीरा का पानी मैंने बना के रखा था, सो ये जीरा का पानी मैं इसमें डाल दूंगी। लेट द जीरा ऑल्सो गो इन साइड। कभी गिलोय का पानी, कभी टर्मरिक जिंजर का, ऐसे अलग अलग। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको आपने सूप पिला दिया। मैं अपने बच्चों को नींबू पानी रोज, सूप रोज और अंडे रोज, ये मैं देती हूँ। नवरात्रों में नहीं दूंगी, तो नवरात्रों में उसकी जगह पे कोई और प्रोटीन का सोर्स आ जाएगा, जैसे कि एमरेंथ का पूरा। मैं आपको कल नवरात्रों की रेसिपीज बना के दिखाऊंगी। हाँ, सो ये हमारी बन गई है, और हम मेरे पिकी ईटर जो है, मेरे हस्बैंड, उनको इनवाइट करेंगे। मेरे जो हस्बैंड है
मेरी डॉटर पे गए हैं सादगी पे, और जो मैं हूँ मेरी शौर्य पे गई हूँ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड सब कुछ नहीं खाते. सो अगर उनको ये खिचड़ी पसंद आई, दैट मीन्स के किसी को भी पसंद आ सकती है. आइए एस पी सर, घी डाल देते हैं. ठीक है, थोड़ा सोर थ्रोट है, सो मैं कर्ड बिल्कुल नहीं दूंगी. प्लीज आप लोग जो बोलेंगे ना, यू आर वेरी लकी, डोंट से दैट. ये ना मेरे साथ बच्चों को देखते हैं, कल भी ऐसा हुआ रात को, ना ही मेरे साथ बच्चों को देखते हैं, ना ही तो ये घर के किसी भी काम में मेरी हेल्प करते हैं. सो ये ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आज मुझे आप लोग सुन रहे हो जैसे वो माए सुनती है ना अपने बच्चे की दर्द, तो मैं आप लोगों को वही सुना रही हूँ कि ये आइसोलेशन में, क्वारंटीन में जिन हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा रहना पड़ेगा, सो उनके लिए मेरा जो सहानुभूति है आप लोगों के साथ है. सही है, अपना रूम क्लीन करिए, इनका भी रूम क्लीन करिए. बहुत टेस्टी, गुड. सब खा सकते हैं? सब खा सकते हैं. दिखाओ. और इनफैक्ट देखो कैसे खाना है, मैं ये बता रहा था. ऐसे चम्मच लिया. थैंक यू. बहुत टेस्टी, और सच में जब कोई प्यार से बनाता है तो और मजा आता है, और इसमें बहुत सारा प्यार भी डाला था. हाँ, एक इंग्रेडिएंट रह गया था, एक माँ ने बनाया है, एक बीवी ने बनाया है, और एक ऐसी लेडी ने बनाया है. मिर्ची के साथ भी खा सकते हैं, चटनी भी ले सकते हैं. और ये एक उस लेडी ने बनाया है जिसके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरे पास जो भी लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मुझे गिल्ट होता है कि अगर मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं पूरा ना कर पाऊँ. सो दिस वॉज अ सुपर इम्यूनिटी खिचड़ी. So enjoy. Good. And thank you so much. Bye-bye. Take care. Love you. Happy quarantine. This is really yummy, huh? Good.